तो मैं तो राधा जी नहीं कहूंगी, मैं तो कान्हा जी को कह रही थी आप तो बिग ब्रदर बन गए हो। तो कंचके, दो दो कंचके दी हैं गुरु जी ने छोटी बिटिया के, बहुत प्यारे बच्चे, ट्विंस बेटियां हुई हैं, शुक्राना गुरु जी। बहुत बड़ा सत्संग है ये, बाद में शेयर करूंगी मैं, अभी तो टाइम ही नहीं है इसके लिए। बहुत कुछ लिखा हुआ है कि कैसी जर्नी स्टार्ट हुई और कहाँ तक जाके ये चलती चली गई। लेकिन अभी एक छोटा सा शुक्राना करूंगी गुरु जी महाराज का, कि कहते हैं कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। आज यही शब्द गुरु जी ने पहले से प्लेलिस्ट बनवा रखी थी कि जब शुक्राना करेगी ना तो सबसे पहला शब्द ना यही चलाना। तो मतलब एक आंटी है जो कि पीतमपुरा में रहती हैं, और वो एक बार हमारे यहाँ पे आई थी, दीप्ति आंटी एक घर आई थी, उनकी कोई रिलेटिव लगती है वो सत्संग में। तो उन्होंने ना वहाँ पे ऐसे ही शेयर किया कि मेरी ना बेटी है, उसके ना 8 ईयर से बेबी नहीं है। तो दीप्ति आंटी ने बोला कि आप बुलबुल आंटी के घर में जाओ और ना वहाँ जाके ना एक बार अरदास कर लो और मंत्र जाप कर लो, और बड़े मंदिर, पहले बड़े मंदिर भी जाना, आज आए हो तो यहाँ चले जाओ और आप आंटी से बात करो। तो जैसे एज यूजुअल मैं तो सबको यही बोलती हूँ अमृत वेला करो। मैंने उनको बोला आंटी आप अमृत वेला कीजिए, आज देखो उनकी भी ब्लेसिंग है जो उनका नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। तो मैंने कहा आंटी आप 40 दिन का अमृत वेला करो, गुरु जी जरूर सुनते हैं। और मैं कह के भूल गई थी, मुझे नहीं पता था। आंटी ने जब अपने घर में सत्संग कराया तो आंटी ने बोला, शुक्राने का सत्संग कराया पीतमपुरा में, तो आंटी ने हमें बुलाया सेवा के लिए। तो आंटी ने कहा कि मैं भूल गई कौन है ये आंटी। उन्होंने कहा मैं एक बार आपके घर आई थी, मेरी बेटी को ना क्या कहते हैं, मेरी बेटी के बेटी हुई है, तो आप ना जरूर आना। मैंने कहा अच्छा जरूर आएंगे। और आपने मुझे कहा कि 40 दिन का अमृत वेला करना, और मैंने सिर्फ 21 डेज किया और मेरे बेटी प्रेग्नेंट हो गई। मैंने कहा अच्छा शुक्राना। तो आंटी ने बोला कि ना मैंने देखा कि उनकी बेटी का जो जो बेटी थी ना वो सिर्फ 1.5 साल की थी, और उनकी जो बेटी थी वो दोबारा से प्रेग्नेंट थी। तो आंटी कहती हैं, तो आंटी ने रोते रोते सत्संग शेयर किया, मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। आंटी ने कहा 8 साल बाद मेरी बेटी की झोली भरी, और आंटी की मतलब हमने सोचा भी नहीं था, और मेरी बेटी को 1.5 साल बाद वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। तो आंटी ने एकदम से बोला हमने एक मांगा था, उन्होंने दो दे दिए। तो मैं ना ऐसे ही मत्था टेक रही थी उस समय, सबको लंगर प्रसाद खिला रही थी। मैंने ऐसे मन में बोला, मैंने कहा गुरु जी कभी मैं भी ये बात बोलूंगी कि मैंने एक मांगा और आपने मुझे दो दे दिए। मैंने ऐसे ही बोल दिया, मतलब मुझे उस समय तो कोई ना, वो प्रेग्नेंट थी, बहुत पुरानी बात है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, तो मेरे मुंह से निकला। मैंने कहा जैसे आंटी आज शेयर करनी है, कभी मैं भी ये बात शेयर करूंगी। तो पता नहीं, कहते ना तूने सुन ली मेरी अरदास गुरु जी शुक्र करा, कब वो किसकी अरदास सुन लेते हैं। फिर उसके बाद उन आंटी का मुझे मैसेज आया कि आंटी देखो गुरु जी कृपा कितनी हुई है कि मेरी बेटी को अभी सेकंड बेबी में 8th मंथ लगा है, और उसने 4 साल पहले से कनाडा का वीजा पीआर भरी हुई थी, उसकी नहीं आ रही थी, बच्चा पेट में आया, वो कनाडा का उसकी पीआर आ गया, अब हम कनाडा जा रहे हैं, डिलीवरी वहीं पे होगी, और वहाँ वो गए और वहाँ पर उनका बेटा हुआ। अब आंटी वापस आई है, कह रही थी मैं जरूर आऊंगी। मैंने, मेरे पास वो आंटी का नंबर मुझे दिख नहीं रहा, मैंने कहा पहले तो मैं उनको बताऊँ, अभी तक मैं उन्हें बता नहीं पाई हूँ। शुक्राना गुरुजी, ये तो बहुत, 1% भी सत्संग का शुक्राना नहीं है, लेकिन बहुत मतलब दिल में ना, जब मेरे अपने बच्चे हुए थे तो तब मुझे ही लगता था मेरे कभी ट्विंस हो जाए, तो मैं कहती थी मेरे को तो दिए नहीं, चलो मेरी एक बेटी को तो जरूर दे देना। तो गुरुजी आपने बहुत सुनी शुक्राना, बहुत अच्छी उनकी लाइफ, वो स्वस्थ रहे, बहुत खुशियां मनाए, और सारी संगत की भी बहुत अरदास थी, सारी संगत ही मतलब, इवन पूजा आंटी तो हमेशा ही बोलती थी देखना इसकी तो ट्विंस बेटियां ही होंगी। मैंने कहा अच्छा, एक एक मेरे पति हमेशा बोलते थे कि देखना इसकी तो बेटी होनी है। मैंने कहा चलो जो देंगे मालिक, शुक्राना। कहते हैं बेटे भाग्य भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से होती हैं। ये भी मेरी प्यारी सी बेटी बैठी है रिया, और मैंने इतने लोगों के घर में जाके, मैं कहती थी गुरु जी जिनके घरों में जाके आप इतनी अरदासें बेबी शावर कराते हो, तो हमारे घर में कब बेबी शावर होगा। तो और जनरली गुरुजी ने मेरे को दो दो बेटियों के घरों में ही सत्संग करने के लिए भेजा। मैं उनकी फोटो खिंचवाती थी ले ले के हाथ में कि ट्विंस बेटियां पकड़ी हुई हैं, क्या पता था गुरुजी अब हमें भी वो दिन ब्लेस करेंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत शुक्राना।